हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आर के जेड थिएटर ग्रुप। और आर के आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आए, वीडियोस वो जो आपके लिए आपकी जानकारी आपको समझने में आपको उसकी नॉलेज दे, जानकारी दे, इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, आपको अपनी आवाज़ पे काम करना चाहिए। एक अभिनेता होने के तौर पर आप जब एक्टिंग सीख रहे हैं या आपकी शुरुआत है या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आपके पास टाइम होता है, आपने एक्टिंग कर ली है लेकिन उसके बाद भी आप अभिनेता की प्रैक्टिस तो हमेशा चलती रहती है, तो ऐसे में आप अपने जो है हारमोनियम या तबला कह सकते हैं या तानपुरा, इन पर जो आप रियाज़ की प्रैक्टिस करते रहें, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि एक अभिनेता को सुर लगाना तो आना ही चाहिए, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप डायलॉग बोलते हैं तो वो भी एक सुर में होता है, एक लय में होता है, एक ताल होती है उसकी। और जब वो डायलॉग बोला जाता है ना, तो कितना ही बड़ा कोई एक्टर हो, आपने देखा होगा, चाहे आप गोविंदा जी की बात कर लीजिए, चाहे आप कादर खान साहब की बात कर लीजिए, जॉनी लीवर की बात कर लीजिए, अन्य कई अक्षय कुमार, कई ऐसे अभिनेता हैं जिनके आपने डायलॉग देखे होंगे, वो डायलॉग जब बोलते हैं ना तो उसमें एक रिदम होती है, एक पंच होता है, एक टाइमिंग होती है। और वो टाइमिंग कैसे आएगी, वो एक रिदम से आएगी। उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा। आपने देखा कई सारे बड़े एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर गाने गाए हैं, तो उन्होंने भी सुर लगाना सीखा। मतलब कि रियाज कितना ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो रियाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सी सरगम हारमोनियम तबला तानपुरा अलंकार रियाज। तो लेकिन हम रियाज के प्रैक्टिस करेंगे और वो तबले पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सारेगामा इससे शुरू करेंगे, देखिएगा। और कोशिश कीजिएगा आप भी मेरे साथ पीछे पीछे लय बनाते हुए चले, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने को मिलेगा। और लगातार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सारे गा पा धा नी सा रे गा मा पा धा ये लगातार ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप घर बैठे अपने रियाज की प्रैक्टिस कर सकें। और इसके अलावा देखा कि आपने किस तरह से क्या रिदम थी, उसे स्पीड के साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। डेली आप इस पे काम करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ब्रीदिंग भी अच्छी होगी, आपकी रिदम भी अच्छी होगी, आपकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक्टर बनना जा रहे हैं, एक्टर बनना चाहते हैं या आपने एक्टिंग सीखी है, तो आपने जाहिर सी बात है सुर से सुर मिलाया होगा, ताल से ताल मिलाया होगा। तो ये एक अभिनेता के लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी इसकी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन से क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।